हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो के लिए मेरे पास कोई आइडिया था नहीं रियलिटी में, लेकिन थैंक्स टू दिस गाय जिसने इस वीडियो के लिए मेरे को एक आइडिया दिया, साइलेंट आइस, थैंक यू। और इसने भी मेरे को बताया, और बस बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आपके इतने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़े, तो ये बताना चाहता हूँ कि मेरे इतने कोई बड़े सब्सक्राइबर्स हैं नहीं जो मैं आपको सिखाऊँ कि भाई कैसा करना चाहिए, लेकिन मेरे को प्रोसेस पता है कि कैसे बढ़ सकते हैं। वैसे तो हर कोई बता देगा ऐसे वीडियोस करोड़ों मिल जाएंगे कि हाउ टू गेन सब्सक्राइबर्स इन 10 डे वगैरह, तो वैसे वीडियोस मैं नहीं बनाता। मेरे को बेसिकली मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने की आदत नहीं है, लेकिन तो भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि आप कैसे कुछ ऐसे वीडियो बनाओ, तो हियर यू गो। तो देखो, एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के 3-4 रूप पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट, मेन पार्ट एक होता है थंबनेल। अगर आपकी वीडियो का थंबनेल एट्रैक्टिव हो, कुछ अच्छा हो, तो ऑडियंस अपने आप क्लिक करने की सोचेगी। और दूसरा पार्ट है डेली अपलोड। अगर आप समझ, मेरा टाइम टेबल ऐसा है कि कुछ मैं कभी एक दिन छोड़ के वीडियो बनाता हूँ या तो 2 दिन छोड़ के, मैं तीसरा दिन लेता भी नहीं, तो मेरा ये होता है टाइम टेबल। अगर आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए चलोगे, कंसिस्टेंसी दिखाओगे, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा। मतलब कि अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो और किसी की रिकमेंडेशन में आई, तो आप देखो कि भाई ये आदमी है, आपको स्टार्टिंग में नहीं देखना होगा, फिर 3-4 दिन बाद उसकी एक और वीडियो आई, फिर देखोगे ऐसे, भले आप उसके 1 महीने तक वीडियो नहीं देखोगे, लेकिन आप भी बार बार सोचोगे भाई ये कौन बंदा है जो इतनी वीडियो अपलोड कर रहा है, एक बार चेक कर ही लो, और शायद से आपको उसका कंटेंट भी अच्छा लग जाए। तो ये मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। तो वो कंसिस्टेंसी हो तो यूट्यूब आपकी वीडियो रिकमेंड भी करता है। और थर्ड पार्ट है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपने अच्छी ऑडियंस बना ली, मतलब आपकी वीडियोस बहुत लोगों तक जा रही है, आपकी वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आपको कोई सब्सक्राइब भी नहीं करेगा। मतलब कि आप, मतलब आप अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचो कि आप कोई यूट्यूबर हो, मतलब यूट्यूबर नहीं, कोई एज अ व्यूअर हो, आप किसी की वीडियो देखते हो, समझो मैं 20 स्पॉटशिप की वीडियो देखता हूँ डेली पर्सपस पे, तो मैं किसी ऐसे को नहीं देखूंगा जो फालतू बकवास कर रहा हो या कुछ टाइम पास कर रहा हो। मैं हमेशा ऐसी वीडियो देखूंगा जो मेरे को अच्छी लगे, मेरे को एंटरटेनिंग लगे, जिसमें मेरे को हंसी आए, मेरे को एंटरटेन हो, मेरे को कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ अच्छी सीख मिले, कुछ आइडियाज मिले, वैसी वीडियो देखूंगा। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा सब्सक्राइबर मेरा है नहीं जो इसको फालतू वीडियो देखना पसंद हो। तो बेसिकली वैसा रूल्स आपके ऊपर भी, यूट्यूबर्स पे भी लागू होता है कि आप भी वीडियो ऐसी बनाओ जो लोगों को एंटरटेन करे, ना कि बोर करे। मतलब ऐसा कंटेंट जो आप सामने वालों को एंटरटेन कर सको, वैसा कंटेंट जिससे वो हंसे या फिर मोटिवेट हो या फिर कुछ उन्हें आइडियाज मिले, वैसा कंटेंट आपका होना चाहिए। और फोर्थ पार्ट है आपका, जो कंटेंट आपका अच्छा है लेकिन आपकी डिलीवरी अच्छी नहीं है, आपके मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, मतलब आपके क्वालिटी अच्छी नहीं हो, आपके माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, या आपकी कोई भी समझो स्क्रीन क्वालिटी अच्छी नहीं हो, या फिर आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं हो, तो भी अगर समझो कोई मोटिवेशनल वीडियो डाल रहा है बिना कोई एक्स्ट्रा पिक्स डाल के, मतलब कोई रिलेटेबल चीज़ें ना डाले, तो आप और रिलेटेबल कोई एडिटिंग ना करे, तो उस वीडियो मोर ओवर बोरिंग हो जाती है। तो वही कहना चाहता हूँ। तो ये 4 मेन पार्ट है यूट्यूब वीडियो को ट्रेंडिंग पे लाने के लिए। अब ये चारों जो करे तो आपकी शायद से वीडियो अच्छी ट्रेंडिंग हो सकती है, या फिर आपके अच्छे व्यूज आ सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात है पेशेंस रखना। मतलब यूँ नहीं कि आप 2-3 वीडियो डालोगे एक हफ्ते के लिए, फिर बाद में एकदम से कि यार मेरे तो सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, वो नहीं हो रहे, तो लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे मेरे 2-3 दोस्त हैं जो बोला यार मैंने 3 वीडियो डाल दी, अभी तक कोई सब्सक्राइबर हुआ नहीं, मैं क्या करूँ। वो भाई शांति रखो भाई, अभी तुमने स्टार्ट ही किया है। मेरी लास्ट वीडियो देखना, सबसे ओल्डेस्ट वीडियो देखना, मैंने 10 महीने पहले डाली थी। तो टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, भले वो कौन सी भी चीज़ हो। और जब तक आपको समझो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा कि इस वीडियो को, आपको यूट्यूब के बारे में नॉलेज भी आ जाएगी। और मैं तो कहता हूँ एक चीज़ करना छोड़ दो, ये जो ज़्यादातर कोई ग्रुप बनाते सब फॉर सब, आप मुझे सब्सक्राइब करो मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बेसिकली आपको सब्सक्राइब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उसे सब्सक्राइब किया है, वो आपके वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो ये करना छोड़ दो, ऐसी ऑडियंस इकट्ठा करो जो आपकी वीडियोस देखे, ना कि ऐसी ऑडियंस हो जिसने आपको सब्सक्राइब किया है और बस आपको लाइक करके, नाइस वीडियो करके, कमेंट करके चला जाएगा, उससे आपके कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब फॉर सब का छोड़ दो। और बस मेन चीज़ यही है, यूट्यूब ऐसे लोगों को रिकमेंड करता है जो रियलिटी में उनके कंटेंट अच्छे हो,
ऐसे कंटेंट जिन जो ट्रेंडिंग पे हो, बहुत अच्छे कंटेंट हो, एडिटिंग भी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, वैसी चीज़ें ट्रेंडिंग पे देगा, ना कि कोई बकवास चीज़ें यूट्यूब ट्रेंडिंग पे देगा। तो वैसे ही है, आप लोग अच्छा कंटेंट डालो, अच्छी नॉलेजेबल वीडियो डालो, कोई एंटरटेनिंग वीडियो डालो, तो लोग आपके चैनल को अपने आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस यही बात है, मेन चीज़ें जो यूट्यूबर्स को फॉलो करनी चाहिए। अब ये सब फॉर सब से कुछ नहीं होने वाला, सब फॉर सब से आपके थोड़े टाइम की खुशी मिलेगी, लेकिन अगर कोई रैंडमली, समझो मैं ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई वीडियो डाली, आप जानते हो कि मेरे भाई बहन के अलावा कोई वीडियो देखता नहीं है, लेकिन कोई रैंडमली आके कमेंट करते भाई मस्त वीडियो बनाई, तो आप वो खुशी अलग होगी। आप जानते हो कि आपके पापा कमेंट करेंगे, मम्मी कमेंट करेगी, भाई कमेंट करेगा, लेकिन आपको उससे वो खुशी नहीं मिलेगी जो दूसरा कोई करेगा, क्योंकि वो तो जानते हैं, वो तो अपने बच्चे की खुशी के लिए करेंगे, या तो अपने भाई की खुशी के लिए करेंगे, या तो अपनी बहन की खुशी के लिए आपको कमेंट करके लाइक करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और का कमेंट देखोगे तो आपको मोटिवेशन फील होगा कि भाई यार इस तक कमेंट किया, अच्छा वीडियो, तो शायद से मेरी वीडियो अच्छी है, मुझे लगता है और वीडियो डालनी चाहिए, इसके जैसे लोग मेरे को और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो डालो जो लोगों को एंटरटेन करे, ना कि पकाए। तो मेन मोटो आपका वीडियो का ये होना चाहिए कि आप लोगों को एंटरटेन करो, यही चार मेन बातें जो आपको फॉलो करनी चाहिए, बाकी तो चलेगा। चार मेन बातें वो आपको फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी वीडियो ट्रेंडिंग पे हो। और ये बात नहीं कि आप दो तीन दिन फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा, मेन चीज़ है पेशेंस रखना। अगर पेशेंस नहीं है तो आपको कुछ नहीं हो सकता, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। वो कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वही कहावत इसी ऊपर भी लागू होती है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, जब तक आप पूरा टाइम नहीं दोगे, जब तक आपको कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब में। बस मेन चीज़ है पेशेंस, कंटेंट, और बाकी तो आप यू ही ट्रेंडिंग पे आ ही जाओगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मेरे वैसे इस वीडियो का कोई आइडिया था नहीं, लेकिन आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, और होप्स हो कि आपको मेरी टिप्स अच्छी लगे या फिर आपको कोई हेल्प करे। और याद रखना, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई यार मेरे को थोड़े टाइम में फटाफट सब्सक्राइब चाहिए, तो वैसा कोई नहीं होने वाला, कोई ऐसे करने नहीं वाला, मतलब थोड़े टाइम में आपको इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, टाइम लगेगा। शायद से बीच में आप 25-40 वीडियो डालने के बाद आपकी वीडियो एकदम अचानक से ट्रेंडिंग पे आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहली वीडियो डालोगे पहली वीडियो ट्रेंडिंग पे चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, तो बस पेशेंस रखो, हौसला रखो, खुद पे कॉन्फिडेंट फील करो, और सब कुछ हो जाएगा। और बस गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, और खुश रहिए, अच्छे रहिए, और ये सब फॉर सब छोड़ दीजिए, ठीक है, गुड बाय, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय, चलता हूँ, मिलता हूँ, दुआ में याद रखना।